यहाँ से हम जाएंगे द टावर ऑफ लंदन, जहाँ पे हमारा कोहिनूर रखा है। हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है बंगाली न्यू ईयर, 15th of April 2022। और आज हम अपना न्यू ईयर मनाने आए हैं यहाँ पर टावर ऑफ लंदन, राइट? जैसे कि मेरे पति ने पहले बोल चुके हैं, तो लेट्स गो, वो देखते हैं टावर ऑफ लंदन यहाँ पर कोहिनूर मीनर रखा है। चलिए So, आज का वेदर भी काफी अच्छा है। Wow, someone is looking awesome. Thank you. अभी तुम्हें भी गॉगल्स पहना के तुम भी मस्त लगोगे। तुम तो हमेशा अच्छे लगते हो, और गॉगल्स पहन के तो लाजवाब लग रहे हो। टावर ऑफ लंदन, मेरे हस्बैंड कहेंगे टिकट लाने फॉर द टावर हिल। तो ये हमें टिकट मिला है, एक पे एक टिकट फ्री कि हमारा जो ट्रेन टिकट है उसमें डिस्काउंट मिलता है, राइट? तो 2 for 1 discount। थैंक गॉड, हमें पहले पता नहीं था कि पहले तो हम बहुत जगह फ्री में घूम रहे थे, तो 2 for 1 में चले। अच्छा, बहुत जगह घूमे नहीं है अभी। हाँ, अभी हम लोग बहुत जगह घूमे नहीं है, तो हमें ये बहुत लेट पता चला, मेरे एक कलीग ने बताया। 2 for 1 अगर आप यहाँ के रेलवे सर्विसेज का यूज करते हो तो यू कैन गेट 1 for 1, 1 free on 1 ticket। सो हम लोगों ने वही लिया है आज टावर ऑफ लंदन के लिए। ऐसे मैडम टुसार्ड्स और बहुत सारे और अदर विजिटिंग प्लेसेस हैं, वहाँ पे वी कैन गेट दिस ऑफर। तो हम लोग नेक्स्ट टाइम वहीं पे सब आपको दिखाएंगे, हम वही वाला ऑफर लेके हम जाएंगे, एंट्री करेंगे। चलो। हाँ, रुको, तुम्हारी फोटो खींचता हूँ। This is Traitor's Gate. अगर आपको लिखा हुआ दिख रहा है तो यहाँ से जो है कैदियों को लेके जाते थे, एंट्री करते थे ना? नहीं, यहाँ से ट्रायल के लिए भी लेके जाते थे शायद से, वेस्ट मिनिस्टर कोर्ट में लिखा है ना। Since early, prisoners were taken upriver from here to the Westminster courts for trial. ट्रेन से सीधा यहाँ पे आते थे एंट्री। हाँ, और यहाँ से वेस्टमिंस्टर कोर्ट जाते थे ट्रायल के लिए प्रिजनर्स। हम एंट्री कर रहे हैं क्राउन ज्वेल्स में, आई गेस यहीं पर हमारे देश का जो है कोहिनूर रखा गया है। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी लंबा लाइन है क्राउन ऑफ ज्वेल्स देखने के लिए। मेन अट्रैक्शन तो यही है, ये यहाँ पर बहुत लंबी लाइन है। और ये जो है ये टावर ऑफ लंदन का मैप का व्यू है। सो As you can see, there is no photography inside the tower, inside the crown of jewels. So, मैं वहाँ पर फोटो नहीं ले सकती, सो उसकी बात है, कोई बात नहीं। कैसा लगा कोहिनूर देख के? बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस। हाँ, हमने अपने देश का चीज यहाँ पे लंदन में आके देखा, और बुरा भी लगा बट बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस, और भी बहुत कुछ देखा। हाँ, भी सारे गोल्ड और डिफरेंट गोल्ड का फाउंटेन, गोल्ड के रूबी, सब बहुत बड़े बड़े स्टोन्स लगे हुए थे क्राउन्स पे। बहुत सारे क्राउन्स देखे ना हम लोग ने, अलग अलग टाइप के, सब में डायमंड है।
और जितने भी इनके जो कटलरीज यूज करते थे राजा महाराजा लोग, सब गोल्ड के बने हैं। एक बहुत बड़ा टब जैसा देखा जो वाइन के लिए बनाया गया था, प्योर गोल्ड, 3 फीट वाइट का वाइट था। 144 ग्लासेस ऑफ वाइन आ सकता था उसमें शायद। और अब हम आए एक म्यूजियम में, तो ये डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑर्डर्स डीएसएन मिलिट्री क्रॉसेस, यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि जहाँ पर कोहिनूर एंड ऑल है वहाँ फोटोग्राफ अलाउड नहीं था, तो हम कुछ ले नहीं पाए। ये है सोड, यहाँ के जो मिलिट्री वाले थे उनका शायद है, उनके कपड़े। ब्लडी टावर, ब्लडी टावर, ब्लडी टावर इसके बाजू वाला, यहाँ पर टॉर्चर किया जाता है कैदियों को। फोटो ले सकते ना? फोटो नहीं ले रहे? Right now we are at the medieval palace of the Tower of London. The Edward's chamber. ये original चीजें रखी हुई हैं यहाँ पर। Original ही होंगे ना, तभी तो दिया है। So ये है king का bedroom, right? ये उनका hall था, हम जहाँ से entry किए हैं। Sorry. This is the bedroom. मुझे पता नहीं है यहाँ क्या होता था, जो देख के लग रहा है शायद यहाँ पर किंग बैठते थे। ये उनका क्या बोलते हैं सीट होगा जहाँ वो बैठते थे। आई गेस यहाँ पर जो लिखा है उसमें लिखा है कि जो हेनरी फोर है यहाँ पर उनकी डेथ हुई थी 21 जे को 1471। अभी जो मैंने आपको जगह दिखाया था किंग हेनरी सिक्स की डेथ का जगह, उसके बारे में स्टोरी यहाँ लिखा हुआ है। तो आधे लोग बोलते हैं कि उनकी डेथ जो हुई है मर्डर की वजह से हुई है, और काफ़ी लोग बोलते हैं कि उनकी डेथ जो है उनको उनके बेटे के डेथ की न्यूज़ सुन के उनकी डेथ हो गई है। एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तुम्हें यहाँ का पैलेस ज्यादा अच्छा लगा कि अपने इंडिया का पैलेस ज्यादा अच्छा लगा? हाँ वही मैं बोल रही हूँ, मैंने वीडियो ले ली तुम्हारा। नाउ वी आर गोइंग एट द वाइट टावर, ये आप देख सकते हैं ये मेन टावर है यहाँ का।
और हमें बहुत लेट हो चुके हैं. दिस इज द शार्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग इन होल यूके. यहाँ से कितना अच्छा व्यू है. वाओ जस्ट लविंग इट. ग्लोब है ये ग्लोब. अभी मैंने भागते भागते देखा ये वाइट टावर अभी बंद होने वाला है. ऊपर एक और फ्लोर था वो तो बंद ही कर दिया, वो देखने के लिए अलाउ नहीं किया. और मैंने जल्दी जल्दी देखा जिससे मेरे हस्बैंड नहीं देख पाए, थोड़ा बहुत तो देख पाए. और भी बहुत कुछ छूट गया हमारा टावर ऑफ लंदन में. और ठीक है कोई बात नहीं. और ऐसा भी नहीं है कि वापस आना होगा यहाँ पर, बिकॉज इट्स वे टू कॉस्टली. टिकट्स आर टू कॉस्टली ओवर हियर. और ठीक है अगर आपने इंडिया का पैलेस देखा है तो उसके सामने यहाँ का पैलेस कुछ नहीं है एज सच, बिकॉज हमारे इंडिया में जो आर्किटेक्चर है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द पैलेस इज वे मोर ब्यूटीफुल देन हियर. यहाँ पर सिंपल तो बताइए कैसा लगा. तो आज का ट्रिप मोर और लेस बहुत सक्सेसफुल रहा. हमारा मेन टारगेट था कि हम क्राउन ज्वेल्स देखें, जो कि हम लोग ने सबसे पहले कवर कर लिया. और बहुत सबसे लंबी लाइन उसी की थी. उसके बाद हम लोग ने तो एक टावर था, वो टावर दो टावर हम लोग ने कवर किया. और हाँ एक हम लोग ने टॉर्चर टावर कवर किया. वहाँ पे क्या होता था, पहले जो प्रिजनर्स होते थे उनको पनिशमेंट दिया था. पनिशमेंट मतलब इनह्यूमन पनिशमेंट, जैसे रोलर के ऊपर से उनको फोल्ड करके उनको कंप्रेस करना ताकि वो लोग काइंड ऑफ डेथ हो जाए. इस लेवल का टॉर्चर किया था इनह्यूमन, क्योंकि आज के डेट में कहीं पे नहीं होता है. उसके बाद हम लोग दो पैलेस में गए जहाँ पे किंग एडवर्ड किंग चार्ल्स ये लोग रहा करते थे अपने बीवी बच्चों सहित. उनका कुछ बेडरूम्स उन्होंने प्रिजर्व कर रखा हुआ है. जो डॉक्यूमेंटेशन थे और जो भी एविडेंस थे उसके हिसाब से रिक्रिएट किया गया है. और रिक्रिएट भी उन्होंने 1800 में किया, अभी का रिसेंट कुछ नहीं है, सब कुछ 1800 में किया गया है. और वाइट टावर देखा हम लोगों ने फिर, जहाँ पे टावर है जो किंग्स जो जितने भी किंग्स थे उन लोग जो वो यूज़ करते थे आर्मरीज यूज़ करते थे और गन्स एंड क्या बोलते हैं गोला बारूद सब सब रखा हुआ है. तो इट वॉज really nice showcase of everything. मैं काफी enjoy किया. और अब हम जाएंगे towards London, Oxford Street. देखते हैं आज क्या खुला है. आज Friday है तो आज hopefully 8 बजे तक market खुला रहेगा. नहीं भी खुला हो रह सकता है आज Good Friday. Good Friday भी है. देखते हैं. टिकट तो अपने पास है, हम किसी भी ट्रेन में जा सकते हैं. जा सकते हैं 24 hours का वाइट. अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग जा रहे हैं नेशनल गैलरी. अकॉर्डिंग टू गूगल वो खुला है 9 बजे तक, तो विल गिव इट अ शॉट. तो यहाँ से हम लोग टावर हिल स्टेशन जाएंगे अंडरग्राउंड. वहाँ से हम लोग एम्बार्कमेंट करके एक अंडरग्राउंड स्टेशन है वहाँ पे, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस तो ट्रफलगर स्क्वायर के सामने ही है नेशनल गैलरी. तो हम लोग वहाँ पे जाने का अटेम्प्ट करेंगे, नहीं तो वहाँ पे उसके ट्रफलगर स्क्वायर के पीछे ही हमारा प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियल गवर्नमेंट घर है 10 डाउनिंग स्ट्रीट, जहाँ ऑलरेडी जा चुके हैं बट रात को गए थे. तो एक बार वहाँ पे भी जाके आ सकते हैं. चलो this is
द नेशनल गैलरी एंड थैंक गॉड ये खुला है. और ये है ट्रफलगो स्क्वायर, इसके जस्ट सामने ही है नेशनल गैलरी. तो अभी हम जा रहे हैं नेशनल गैलरी में, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते हैं वहाँ पर, देखते हैं क्या क्या है, देन वी विल गो बैक टू आवर होम. वी आर एट द नेशनल गैलरी राइट नाउ और यहाँ पर बहुत सारे पेंटिंग्स हैं. मैं सारे पेंटिंग्स को देखते तो नहीं, बट कुछ कुछ पेंटिंग्स की मैं वीडियो लूँगी. ये बहुत अच्छा लगा मुझे. हाँ अभी दिस इज वन ऑफ द फेमस फेमस पेंटर लियोनार्डो द विंची, जो कि हम लोग टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा हुआ है इंडियन सोशल साइंस स्टडीज में. तो यहाँ पे उनकी पेंटिंग्स दिखाई गई हैं, तो आइए देखते हैं. यहाँ पर काफी अंधेरा कर रखा है. ये बोल रहे थे मैं तो वर्जन ऑफ द रॉक्स. The Virgin and the Rocks. The सुपर टायर्ड. और हम अभी नेशनल गैलरी में गए थे, वहाँ पर हमने बस एक ही विंग देखा है, टोटल ए बी सी तीन विंग्स हैं, तो बी और सी हम कवर अप नहीं कर पाए. और ये फ्री एंट्री है यहाँ पर, तो हम बाद में एक और दिन आ जाएंगे बी और सी कवर करेंगे. सो विल मीट यू नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. Oh!